अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखसाना रहमान। आप देख रहे हैं मांझी रेसिपी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर के मसालों से आलू के पराठे कैसे तैयार होते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ आलू के पराठों के अज्जा, इसमें क्या क्या ऐड होता है। ये 2 किलो आलू थे और ये कसूरी मेथी है और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये 1 कप हरा धनिया है, मीडियम साइज प्याज है। प्याज को चॉप कर लें और इसको हाथ से रख कर निचोड़ लें, फिर इसका पानी ख़त्म हो जाता है। और 10 से 12 छोटी वाली मिर्ची है, बड़ी वाली नहीं चॉप करनी, छोटी वाली ये मिर्ची है। और ये इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड करनी है। ये हरी मिर्च है, ये मैंने चॉप की हुई है, ये देखिए। ये मेथी है, कसूरी मेथी। और ये लाल मिर्च नमक है, ये चॉप किया हुआ प्याज है। ये बाद में डालेंगे। धनिया बाद में मिक्स करना है ताकि ये पानी छोड़ देता है, इसलिए इसको एंड पे यूज करूंगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका, ये देखिए धनिया के साथ। तो ये देखिए ये तैयार हो गया आलू। अब मैं आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी कि कैसे इसका पराठा बनता है। आइए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे पराठा बनता है। ये देखें इस तरीके से अंदर लगाना घी। आप उसके ऊपर दूसरी डबल पैर लगानी है ऐसे करके। कुछ लोग तो बनाते हैं ना पेड़ा, एक नीचे रखते हैं ऊपर रखते हैं तो वो पराठा बना लेते हैं, उस पराठे का मजा नहीं होता खाने का। ये देखिए मैं फिर इसमें घी लगाऊंगी, इसके ऊपर फिर घी तेल लगाऊंगी। ये देखिए इसको ऐसे करना है, ये सारा कवर हो जाए मसाला। ये देखिए इसे ऐसे कर लेना, हल्का सा घी लगा के तवे पे डाल देना इसको। देखिए ये होते सारे देसी काम, इनको देसी काम बोलते हैं, देसी तरीके।
आंच नॉर्मली रखनी है, इतनी तेज नहीं करनी कि आराम से बनता है। जरा मोटा होता है पराठा, आराम से बनता है, आराम से पकता है। ये कोई भी चीज़ है वो आराम से बनाए, चाहे वो पराठा बनाए, हंडिया बनाए, आराम से एहतियात से बनाए तो मज़े की बनती है। पूरा टाइम लेती है हंडी, हंडिया को टाइम दे तो बहुत अच्छी बनती है, पराठे को टाइम दे पराठा भी बहुत अच्छा बनता है। इंशाल्लाह आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। लोग इतने इतने मसाले डाल लेते हैं, ज़्यादा मसालों से स्टमक की प्रॉब्लम होती है। ये देसी चीज़ें जो होती है, देसी घर के मसाले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे मर्जी आप खाएं। आंच पे बनाना है इसको आस्ता आस्ता, जहाँ चिमटे की मतलब जरूरत हो वहाँ चिमटा यूज करें, या हाथ की जरूरत है हाथ यूज करें। ये देखो कितना गोल्डन पराठा बना, देखने में इसकी शक्ल कितनी लज्जतदार है। ये देखे पराठा तैयार हो चुका है, ये जी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। आप इसको हम दही के साथ खाएंगे। ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो चुका है, अब इसको इसके साथ मैं दही तैयार करने लगी हूँ। इसमें 1 टीस्पून चीनी डालें और मिक्स करें और इसके साथ ये पराठा खाएं, देखना मज़ा कैसे आता है। ये देखो ये माँ जी रेसिपी का पराठा है, ये देखें कितना मसाला भरा हुआ है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं।